हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम नए तरीके से साबुत मूंग की सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं साबुत मूंग की सब्जी। आधा कप साबुत मूंग लिया है, इसे एकदम गुनगुना हल्का गर्म पानी में 6 घंटे के लिए भिगो के रखा था और मूंग अच्छे से भीग गया है, मूंग का छिलका भी निकलने लगा है। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे चॉप करके डालेंगे। 2 कम तीखी वाली हरी मिर्च, 2 लहसुन की कली डालेंगे। 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेते हैं। इसे ग्राइंड करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना ली है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटेंगे ताकि बैटर एकदम हल्का और फ्लफी बने। इसे मैंने एकदम अच्छे से फेंट लिया है और बैटर एकदम हल्का हो गया है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फूल भी गया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, एक ही डायरेक्शन में चला के मिक्स करेंगे ताकि इसमें हवा भरी है वो ऐसे ही रहेगी। ये बैटर हमने बनाया है, इसमें से हम 2 टेबलस्पून जितना बैटर निकाल लेंगे। इसे हम ग्रेवी में डालेंगे। कुकर में रखने वाला कंटेनर लिया है, इसे मैंने तेल से ग्रीस कर दिया है। बैटर को अच्छे से 2 मिनट चला लेंगे ताकि हम जो ढोकला बनाए वो एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बने। बैटर को इस पे डाल देंगे, इसे थोड़ा टैप कर देंगे ताकि इसमें एयर बबल्स हो वो निकल जाएगा। इसे स्टीम करने के लिए मैंने एक कुकर लिया है, कुकर में पानी डाल दिया है और बीच में एक रिंग रखी है। पानी गर्म हो गया है, इसमें हम एक नींबू का छिलका डाल देंगे ताकि कुकर जो है वो काला नहीं पड़े। एक कुकर का कंटेनर है, इसे हम अंदर रख देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। रिंग हमने अंदर ही रखी है और सीटी निकाल ली है। तेज आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। कुकर को मैंने दूसरे गैस पे रख दिया है। ढोकला स्टीम हो रहा है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को लाइट ब्राउन भून लेते हैं। 2 पिंच हींग डालेंगे। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। 5 से 6 लहसुन की कली को एकदम बारीक काट के लिया है। लहसुन को लाइटली भून लेते हैं। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप किया है। तेज आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को भून लिया है और प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। 1 कम तीखी वाली हरी मिर्च बारीक काट के ली है। 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। मसाला अच्छे से भून गया है। मूंग का पेस्ट हमने निकाल के रखा था, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। मूंग की पेस्ट डालने से ग्रेवी एकदम गाढ़ी बनेगी। 1 बड़ी साइज़ का टमाटर बारीक काट के लिया है, अच्छे से चला लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए टमाटर को भून लेते हैं। टमाटर को अच्छे से भून लिया है और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है। मूंग हमने मिक्सर जार में पीसा था, इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल के ले लिया है। ये पानी डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे कुक करेंगे, तेल सेपरेट हो जाएगा तब तक इसे कुक करेंगे। ग्रेवी को अच्छे से तेल सेपरेट हो जाए तब तक कुक कर लिया है। 2 कप एकदम तेज गरम पानी डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। ग्रेवी में 1 बॉईल आ गया है। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे
दो से तीन मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। ढोकला को 12 मिनट के लिए स्टीम करके कुकर में से बाहर निकाल के इसे एकदम ठंडा कर दिया है। ये एकदम ठंडा हो गया है, इसे कट कर लेते हैं। छोटा छोटा पीस में इसे कट कर लेना है। बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है और आप देख सकते हैं ये कितना स्पंजी बना है। हमने कोई सोडा या इनो नहीं डाला है, फिर भी ये कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं और राई और कड़ी पत्ता का तड़का करके भी इसे आप खा सकते हैं। ग्रेवी को 3 मिनट के लिए कुक कर दिया है, इसमें हम ये वड़ी डाल देंगे। सब्जी में आपको जितनी चाहिए उतनी वड़ी आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी वड़ी मैंने रख ली है क्योंकि ये ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक टीस्पून कसूरी मेथी को हाथ से क्रॉस करके डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। इसे धीमी आंच पे 4 मिनट के लिए कुक किया है। आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। एकदम हल्का हाथ से इसे चलाना है। साबुत मूंग की सब्जी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। इसे आप गर्मा गर्म फुल्का, रोटी, चपाती और भाकरी के साथ सर्व कर सकते हैं। सब्जी को आप टेस्ट करके देख लेना, अगर नमक आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल के मिक्स कर सकते हैं। इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, बाद में इसे सर्व करना है। एक अलग ही तरीके से साबुत मूंग की सब्जी बनके रेडी हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।